जी दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वी आर ऑफ स्टार्स। दोस्तों आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर के अधिक है, यही आपका आयताकार बाघ है। तो लंबाई दोस्तों हम इसको बोलते हैं और चौड़ाई इसको बोलते हैं। तो आयताकार बाघ की लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। तो बाघ की बीमा, तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि मानेंगे कि माना कि आयत की लंबाई कितना हुआ, माना कि बाघ की लंबाई एक्स, बाघ की लंबाई कितना हो गया दोस्तों एक्स, तो बाघ की चौड़ाई कितना हो जाएगा वाई, बाघ की चौड़ाई कितना हो गई वाई। तो देखिए इसका लंबाई कितना हो गया, इसका अब बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रश्न से कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना हुआ 4, सॉरी माइनस, इसलिए कि लंबाई बड़ा है ना चौड़ाई कम है तो 4, ये हुआ समीकरण 1। उसी प्रकार लिखेंगे और लिखेंगे कि अब बाघ का अर्ध परिमाप कितना दिया है। देखिए तो अर्ध परिमाप जो होता है तो वो होता है एल प्लस बी होता है, अगर परिमाप करेगा तो 2 इंटू, इसलिए देखिए कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, और परिमाप का मतलब होता है कि देखिए आयत में परिमाप का मतलब ये भी लंबाई इधर लंबाई, यानी कि दो लंबाई होता है दो चौड़ाई होता है, तो 2 का अधवा कितना एक, तो लंबाई एक हो गया और चौड़ाई, दो चौड़ाई का अधवा कितना हो एक चौड़ाई, तो एक चौड़ाई हो गया। इसका मतलब देखिए इसका मान क्या हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36, तो ये हुआ समीकरण 2। और देखिए दोस्तों अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 का मान कितना है दोस्तों, तो x माइनस वाई बराबर 4, सेकंड का मान कितना है तो x प्लस वाई बराबर 36। और देखिए यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस, तो और दोस्तों क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस 2y, और जब हम 4 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 36 को जो माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस 32, तो कैंसिल हो गया। देखिए तो अब क्या हुआ, वाई के मान हो गया आपको 32 बटा में 2, यानी कि 16 दूनी क्या 32, यानी कि वाई के मान कितना आ गया 16। उसी प्रकार लेकर चलेंगे हम वाई का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 का मान कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 36 है। देखिए तो एक्स वाई का मान कितना है 16 और बराबर में कितना हो गया 36, यानी कि यहां पर हुआ 36 और माइनस में 16 हो गया, तो एक्स का मान कितना हो गया 20। देखिए तो इसका वाई के मान, वाई के मतलब कितना है चौड़ाई, तो इसका चौड़ाई हो गया 16 तो लंबाई हो गया 20, 4 का अंतर हो गया। तो अब यहां पर लिखेंगे कि बाघ की बीमा यानी कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही आप लोग का आंसर है। उसी प्रकार लेकर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो दोस्तों अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 रहा एक्सरसाइज 3.2 का कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 हो तो दो चर में एक और समीकरण लिखिए जो वो समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को निरूपित करती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए एक हमारे तो समीकरण पहले से दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, थोड़ा इस क्वेश्चन पर समझने का ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बात है कि प्रतिच्छेद रेखा कब करती है, जबकि वो रेखा किसी का बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू
सी वन बाई सी टू, मतलब कोई किसी का बराबर नहीं होगा तभी रेखा परिच्छेद करती रेखा होगा। देखिए यहाँ पर टू लिखा है तो कोई ऐसा समीकरण बनाए जो इसका बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हम थ्री एक्स लिख सकते हैं प्लस का प्लस, यहाँ पर भी बराबर नहीं करने तो यहाँ पर हम टू वाई लिख सकते हैं माइनस का माइनस। यहाँ पर सोलह है देखिए, तो अगर हम यहाँ पर आठ है, यहाँ पर क्या है आठ है, तो आठ के लिए क्या हम यहाँ पर सात लिख सकते हैं बराबर में जीरो। देखिए ये भी तो एक समीकरण हो गया, तो ऐसा समीकरण करेंगे हम तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो टू बाई थ्री, थ्री बाई टू और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस आठ बाई माइनस सात, तो माइनस माइनस से क्रॉस कर जाएगा। देखिए कोई किसी के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो क्या होगा परिच्छेद करती रेखा होगा। उसी प्रकार आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर रेखा हो, तो आप लोग को याद होगा कि समानांतर रेखा हो कब समानांतर रेखा होती है, जबकि ए वन बाई ए टू अब बराबर में होगा यहाँ पर बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसका मतलब क्या होता है कि दो बराबर रहेगा तीसरा बराबर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम यहाँ पर समीकरण को लिखेंगे पहले वाला दिए गए समीकरण को, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस आठ बराबर जीरो बराबर समीकरण कर दो, तो क्या हम यहाँ पर चार एक्स लिख सकते हैं प्लस में छ वाई लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख दो माइनस में सात बराबर जीरो। तो अब देखिए तो यहाँ पर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा टू बाई फोर ए वन बाई ए टू का मान, बी वन बाई बी टू का मान थ्री बाई सिक्स और सी वन बाई सी टू का मान कितना हो जाएगा माइनस आठ बटा माइनस सात, तो माइनस माइनस तो क्रॉस हुआ। अब देखिए वन बाई टू और वन बाई टू, तो क्या यहाँ पर वन बाई टू इक्वल वन बाई टू नॉट इक्वल टू एट बाई सेवन हो गया। देखिए दो बराबर हुआ तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो जब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा समानांतर रेखा हो गया। इसी प्रकार आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि संपाती रेखा हो, और देखिए संपाती रेखा हो तो संपाती रेखा कब जब पूरा बराबर होता है तब, मतलब पूरा का पूरा क्या होगा पूरा का पूरा इसमें बराबर ही होगा। तो और देखिए तो समीकरण कितना दिया है, तो समीकरण दिया है इधर वाला कि टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस आठ बराबर जीरो, तो अब इसको बराबर में कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर फोर एक्स कर सकते हैं प्लस में सिक्स वाई कर सकते हैं माइनस में सोलह बराबर जीरो कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट दूसरे का भी समीकरण लिख सकते हैं ये भी। देखिए कितना हो गया टू बाई फोर थ्री बाई सिक्स और माइनस एट बाई माइनस सिक्सटी, माइनस माइनस कैंसिल हुआ वन बाई टू, यहाँ भी होगा वन बाई टू और यहाँ भी होगा वन बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ वन बाई टू वन बाई टू और वन बाई टू पूरा का पूरा रेखा क्या हो गया समानांतर हो गया। तो जब पूरा का पूरा समानांतर बराबर हो गया तो क्या होगा वो संपाती रेखा होगा। उसी प्रकार आप लोग का सेवन क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो अब आप लोग का रहा क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन है, जो आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं लेकिन क्वेश्चन इसमें दिया है जो आप लोग को दिखा रहे इस क्वेश्चन इसमें कि समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस बारह बराबर जीरो का एक ग्राफ खींचना है और एक्स अक्ष पर इन रेखाओं के त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक को ज्ञात करना है और त्रिभुजकार पटल को छायांकित। देखो ये तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, जो वही हम लोग एक्स और वाई के मान साथ में लिखते हैं उसी को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। तो ये तो क्लियर आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम सबसे पहले कहेंगे हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें समीकरण इसको मान लेंगे वन और इसको मान लेंगे टू। तो क्या हम देखिए यहाँ पर हम एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो है यहाँ पर समीकरण वन का, तो क्या हम एक्स माइनस वाई बराबर सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे माइनस वन इधर जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस वन और प्लस में वाई। और देखिए इसी समीकरण से हम पहले यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, देखिए हम टेबल कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स और यहाँ पर क्या रखेंगे एक्स और वाई। देखिए अगर हम एक्स का मान हम यहाँ पर कितना रख रहे हैं, तो अगर हम एक्स का मान यहाँ पर माइनस वन रख रहे हैं तो वाई का मान कितना रहे जीरो, या वन का देखिए वाई के मान हम जीरो रख रहे हैं, वाई के मान जीरो रखेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस वन। आगे समझ में। उसी प्रकार हम यहाँ पर वाई का मान अगर टू रखेंगे तो माइनस वन और प्लस टू कितना हो जाएगा प्लस में वन, तो अगर वाई का मान हम टू रख रहे हैं तो वाई एक्स का मान कितना हो रहा है वन। उसी प्रकार हम यहाँ पर वाई का मान अगर थ्री रख रहे हैं तो माइनस एक और प्लस में थ्री, तो कितना हो जाएगा प्लस में टू, यानी कि वाई का मान यदि हम यहाँ पर थ्री रख रहे हैं तो एक्स का मान आ रहा है कितना टू। अब चलेंगे हम समीकरण टू से, तो समीकरण टू क्या है, तो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस बारह बराबर जीरो समीकरण टू। तो अब देखिए तो क्या हम यहाँ पर
सीधी एक्स बराबर माइनस बारह और माइनस में टू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस को हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस कर लेंगे या छोड़िए यहाँ पर, तो एक्स का मान हम कितना पर लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस बारह माइनस टू आई बटा में यहाँ पर लिख देंगे थ्री। तो और देखिए यहाँ पर भी एक टेबल बनाएंगे, तो अब टेबल को बना करके हम यहाँ पर क्या करें, देखिए वाई का मान अगर हम जीरो रखेंगे, वाई का मान जीरो रख रहे हैं तो देखिए तो दो में से जीरो जाएगा, गुणा होगा तो जीरो, तो माइनस बारह होगा, माइनस बारह में तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में चार, तो ये कितना हुआ आपको माइनस चार। और देखिए दोस्तों तो यहाँ पर तो माइनस चार हो गया आपको, या ऐसे करके देखिए इसको हम समीकरण को थोड़ा सा आपको मतलब आसान बना दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हम लोग करेंगे कि थ्री एक्स प्लस टू आई माइनस बारह, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि सबसे आसान तरीके से ये हम बना सकते हैं कि यहाँ पर हम माइनस को पहले कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बारह और प्लस में कितना हो जाएगा टू आई, तो और एक्स बराबर कितना ले सकते हैं बटा में या थ्री लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए अब हम वाई का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो वाई का मान जीरो रखेंगे तो देखिए तो दो, तो बारह हो गया यहाँ पर, बारह में से तीन जाएगा कितना बचेगा एक्स, यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर अगर जीरो रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान यहाँ पर वाई का मान, तो एक्स का मान अगर हम वाई का मान जीरो रख रहे हैं तो एक्स का मान कितना हो रहा है चार, अगर यहाँ पर हम एक्स का मान यदि तीन रख रहे हैं तो वाई का मान कितना हो रहा है माइनस दो, और एक वाई के मान अगर यहाँ पर हम तीन रखेंगे तो तीन दूनी क्या छ, छ होगा तो बारह, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो बारह और छ कितना होगा अठारह, तो अठारह में तीन जगह कितना बचेगा, देखिए तो अगर हम वाई के मान यहाँ पर कितना रख रहे हैं तो वाई के मान हम तीन रखेंगे तो तीन दूनी क्या छ, तो माइनस बारह और छ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपको टू। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम अब यहाँ पर एक ग्राफ करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स। देखिए तो बोला इधर कि एक्स के मान वन तो वाई के मान टू, तो एक्स के मान वन तो वाई के मान टू, एक्स के मान टू तो वाई के मान थ्री, तो एक्स के मान टू तो वाई के मान थ्री, एक्स के मान चार तो वाई के मान जीरो, तो एक्स के मान चार तो वाई के मान जीरो, एक्स के मान दो तो वाई के मान तीन, तो एक्स के मान दो तो वाई के मान तीन। देखिए तो ऐसा समीकरण हो गया और एक समीकरण यहाँ पर बन रहा है, तो ऐसे ये समीकरण हो गया, तो क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कितना, तो वन टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम फोर, यहाँ पर हो गया तो फोर और जीरो, और यहाँ पर जीरो एंड फोर, तो उसी प्रकार लेकर के हम कर देंगे। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, अगर ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा तो इसको देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा, थैंक यू।